अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप गिनाफ किचन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और ढेरों दुआएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिसमस केक, जिसकी हम आपको डेकोरेशन दिखाएंगे। क्रिसमस आने वाली है तो मैंने सोचा आपको अच्छे सा डेकोरेशन करके दिखाएं। ये है वनीला केक, ऑयल बेस्ड केक है ये। मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही हम इस पे बटर आइसिंग करेंगे, वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, उसको मैंने मिल्क डाल के उसको पतला कर लिया इस तरह। मैं अपने केक हमेशा कंडेंस मिल्क या मिल्क से ही सोक करती हूँ, चीनी वाले पानी से नहीं करती हूँ, उससे इतना मजेदार टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए अपनी डेकोरेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो केक का बेस थी हमारी, उसको मैंने यूँ नीचे की साइड से रख लिया है, इसको हम सोक करेंगे। बहुत ज़्यादा सोक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा बटर आइसिंग केक है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। वैसे तो मेरा स्पंज बहुत सॉफ्ट बना है ऑयल बेस केक जो है, लेकिन बहुत हल्का सा इसको हम सोक करेंगे। ये देखें, ये सोक हो गया। अब हम इस पे आइसिंग करेंगे। आइसिंग मैंने सिखा चुकी हूँ आपको, बटर आइसिंग। आज केक कलरफुल है तो मेरे हाथ भी आपको कलरफुल लग रहे होंगे, क्योंकि मैं बेटी के लिए केक बना रही थी तो मेरे ब्लू कलर की बॉटल जो है वो हाथ से स्लिप होके टूट गई, तो मेरे पूरे हाथ जो है वो आज ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहे होंगे। आइसिंग ज्यादा या कम जितनी करनी है अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। आइसिंग पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ करनी कि कैसे करते हैं आइसिंग, बटर आइसिंग मैंने नहीं सिखाई है। तो देखिए, ये मैंने पूरे केक पे सारी लेयर्स लगाई, लेयर बाय लेयर मैंने कंडेंस मिल्क डाला, बटर आइसिंग डाली और ये सारी लेयर्स को सेट किया। फिर मैंने इसके ऊपर क्रम कोट किया। अब हम इसको फाइनल कोट से पहले 15 से 20 मिनट के लिए डिफ्रीजर में रखेंगे ताकि ये वाली आइसिंग सेट हो जाए। बटर आइसिंग में हमेशा पहले हम क्रम कोट करते हैं ताकि जो ऑयल बेस्ड केक के क्रम ज़्यादा निकलते हैं वो क्रम सेट हो जाए। चले, ये सेट होता है 15 से 20 मिनट में, फिर मैं आपको इसकी फाइनल कोटिंग करके दिखाऊंगा। तो देखिए, मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में क्रम कोट करके रखा। अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। फाइनल कोट में ये जो हमारे क्रम नजर आ रहे हैं ये सब छुप जाएगा। पहले मैं इस तरफ करूंगी ये और फिर टर्न करके पीछे की साइड पे। तो देखेंगे, मैंने साइडों में आइसिंग लगाई है। यहाँ मेरे पास है स्क्रैपर, इसको कहते हैं स्क्रैपर। इससे अब मैं आइसिंग को लेवल करूंगी।
ये यूं रखूंगी मैं और यूं चलाऊंगी, एक्स्ट्रा ऐसे हटाते रहेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैं करूंगी, इसको घुमाते जाएंगे और इस तरह करते जाएंगे ताकि हमारी आइसें चारों तरफ से एक जैसी लेवल हो जाए। इसी तरह मैं सबको चारों तरफ से घुमा घुमा के लेवल कर लूंगी। तो देखिए क्रम कोट के बाद मैंने फाइनल कोट किया था और अब हमारे ये प्लास्टर हो चुका है केक पे, ये रेडी है। बाकी की क्रीम में मैंने ग्रीन कलर डाल के ये ग्रीन आइसिंग तैयार करी और एक रेड कलर की आइसिंग तैयार करी। जेल कलर मैंने यूज करे हैं बटर क्रीम में। यहां मैंने ये आइसक्रीम कोन लिए हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, बिस्किट के बने हुए होते हैं, ये मैंने लिए। इनको मैंने कट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। दो साइज में मैंने कट किया है, एक ये साइज लिया है और एक ये साइज में। मैंने इसका आगे से कट किया तो पीछे का ये साइज आ गया। दो साइज में मैंने कट किया है। अब इनको हम डेकोरेट करते हैं। देखिए मैंने ये फिंगर पे अपने होल्ड किया और मैंने यहाँ पे स्टार, ओपन स्टार नोजल लिया है। इससे अब मैं थोड़ा सा छोड़ के नीचे का हिस्सा, यहां से मैं इसको फ्लावर बनाना शुरू करूंगी। यूं करके यूं हम बनाते रहेंगे और इसको घुमाते रहेंगे। ये देखिए चारों तरफ इसको बनाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे। एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसी के ऊपर से हम सेकंड लाइन शुरू करेंगे। छोटे छोटे फ्लावर यूं बनाते रहेंगे और इसको यूं छोड़ते रहेंगे ताकि एक नोक सी ट्री बना रही हूं मैं। ये क्रिसमस का जो ट्री होता है ये वो बन रहा है। ये देखें दो साइज के ट्री में बना रही हूं यहां पे, ये बन गया। बाकी का मैं उसके ऊपर सेट करने के बाद बनाऊंगी, वरना अगर मैं पूरा बना लूंगी और यहां से पकड़ूंगी तो ये हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। अब मैं इसको केक के ऊपर लगाती हूँ और बाकी का जो हमारा है वो मैं उसके ऊपर लगाने के बाद बनाऊंगी। ये यहां से देखिए मैं इजी पकड़ सकती हूँ, तो चलिए इसको सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ रख के मैंने इसको हल्का सा दबा दिया है। अब हम जो बाकी का हिस्सा रह गया है उस पर फ्लावर बनाएंगे। हल्का सा मैं इसको लगाती जा रही हूँ क्रीम को और खींचती जा रही हूँ ताकि एक नोक सी बन जाए। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा ट्री सा बन गया है। इसी तरह अब जो नीचे की हमारी जगह खाली है उसको भी मैं इसी तरह कर लूंगी। तो देखिए नीचे भी मैंने चारों तरफ बना दिए, ऊपर भी बना दिए। अब मैं सेकंड वाला भी इसी तरह रेडी कर लेती हूँ, फिर उसको भी इसके साथ असेंबल करते हैं। दूसरा भी देखिए मैंने सेट कर दिया है और अब इसको भी मैं दूसरा भी मैंने सेट कर दिया है और अब इसको भी हम अपनी आइसिंग से पूरा कवर कर देंगे। तो देखिए दोनों ट्री मैंने लगा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे जो रेड आइसिंग बनाई थी उसमें मैंने नोजल नहीं लगाई है, सामने से छोटा सा मैंने डॉट के लिए बस ये आगे से इसकी टिप काटी है। अब हम इस पे यहाँ रेड स्पॉट बनाएंगे। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री पे भी रेड कलर की बॉल्स लगी होती हैं। चारों तरफ मैं इसी तरह रेड बॉल्स बना दूंगी। तो देखिए ये हमने ट्री कंप्लीट कर दी है, इस पे डॉट लगा दिए। अब यहां मैंने ईडेबल गोल्डन बॉल्स आती हैं, ये देखिए ये हम लेंगे और ये हम ट्री की टिप पे लगा देंगे।
ये देखिए ये ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का काम करते हैं। अब मैं इसके ऊपर मैसेज लिखूंगी क्योंकि ये हमारा क्रिसमस का केक है, तो चले क्रिसमस का मैसेज लिखते हैं इसके ऊपर। इस पे हम लिखेंगे हैप्पी क्रिसमस। तो देखिए रेड कलर से हमने लिखा है हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि मैसेज तो लिखना जरूरी था क्योंकि ये हमारा क्रिसमस का केक है। तो चले अब हम इसके नीचे की डेकोरेशन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखें ये रेड और ग्रीन स्प्रिंकल लिए हैं। हर कलर के स्प्रिंकल आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने रेड और ग्रीन लिए हैं क्योंकि मैं क्रिसमस की थीम बना रही हूँ और इसमें थोड़े से वाइट भी है। तो चले अब हम ये केक पे लगाएंगे। इसको मैं हाथ में लूँगी और यूं करके ये हम लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्प्रिंकल डाल दिए हैं। अब मैं इसमें जो रेड और ग्रीन हमने आइसिंग बनाई थी स्टार नोजल दोनों में लगा लिया। अब मैं नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। एक हम रेड बनाएंगे और एक ग्रीन। इसी तरह पूरे में रेड ग्रीन हमारा बॉर्डर बन जाएगा। पूरे में मैं बॉर्डर बना लूंगी रेड और ग्रीन। तो देखिए ये थी हमारी आज की डेकोरेशन, क्रिसमस केक की डेकोरेशन हमने आपके सामने की बटर आइसिंग से। आपको कैसी लगी मेरी आज की डेकोरेशन केक की आप फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आगे कौन सी डेकोरेशन और कौन से केक आप मुझसे सीखना चाहते हैं इनबॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।